बहनों और भाइयों, राम राम। श्री मेरे बड़े भाई श्री राहुल गांधी जी, श्री के सी वेणुगोपाल जी, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, श्री उदय भान जी, कुमारी शैलजा जी, यहाँ के सभी कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक अरोड़ा जी, पास में मेवा सिंह जी भी उम्मीदवार हैं, मनदीप छट्टा जी भी, और मंच पर आसीन सभी कांग्रेस के नेतागण, पदाधिकारीगण, कांग्रेस के कार्यकर्तागण, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। हुड्डा जी ने कहा ये कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है। यहां से दुनिया में सब धर्मों के बीच हमारे धर्म का संदेश यहीं से उभरा, यहीं से उठा। यहीं पे पांच पांडवों ने कौरवों की सैकड़ों की सेना को शिकस्त दिया। मैं यहाँ आसपास साधना करने आती थी, 11 दिन की साधना होती थी, यहीं से कुछ 45 मिनट दूर होगा, आधा घंटा दूर होगा, और गुरुजी का प्रवचन सुनना था। हर शाम को मौन साधना थी, तो 11 दिन हम मौन रहते थे। कई बार मैं आई और गुरुजी प्रवचन में हमेशा ये कहते थे कि ये जो धरती है, ये पवित्र धरती है, इस धरती ने हमें दिखाया है कि न्याय और अन्याय के बीच में क्या फर्क है, सच्चाई और असत्य, सत्य और असत्य के बीच में क्या फर्क है, इस धरती ने हमें दिखाया है। वो कहते थे कि अगर सच्चाई के लिए लड़ रहे हो, बेशक अकेले लड़ो, बेशक तुम्हारे सामने सैकड़ों की सेना हो, हजारों की सेना हो, खड़े रहो, मजबूत रहो, दृढ़ रहो, निडर रहो, तो जीत हासिल ही होगी। आज हरियाणा की जनता की क्या लड़ाई है, यही लड़ाई है। सदियों बाद आज हम वहीं पे हैं जहां उस समय थे। आज आप सत्य और असत्य की लड़ाई लड़ रहे हो, न्याय और अन्याय की लड़ाई लड़ रहे हो, और आप न्याय की तरफ खड़े हो, सच्चाई की तरफ खड़े हो। आपकी सच्चाई क्या है, आपका सत्य क्या है? मेरी बहनें बैठी हैं, क्या सत्य है आपका? आज महंगाई से जूझ रही हैं आप, गैस सिलेंडर 1200 का है, 2-3 दिनों में श्राद्ध खत्म होंगे, नवरात्रि शुरू होगी, त्योहार का समय है, दिल में खुशी भी है, घबराहट भी है। मेहमान आएंगे, लिपाई पुताई करानी है, घर को सजाना है, मेहमानों के लिए खाना पकाना है, त्योहार मनाना है, पैसे कहाँ से आएंगे? खरीदोगी कैसे? दुकान जाओगी, आधी चीजें खरीदोगी, आधी खाली खाली हाथ आप वापस आ जाओगी। घबराहट है, जब कोई बीमार पड़ता है, बच्चा बीमार पड़ता है, बच्चे की फीस भरनी पड़ती है, घबराती हो। मेरे किसान भाई बैठे हैं, खेती में मेहनत करते हैं, दिन रात खून पसीना देते हैं इस देश के लिए, इस देश के अन्नदाता हैं आप। अपने बेटों को आप सरहद पे भेजते हैं हमारी सुरक्षा करने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। आज आपकी सच्चाई क्या है? ये सरकार सिर्फ काले कानून लाती है, यहीं पिपली में लाठी किस पे चलाई इन्होंने? देशद्रोही किसको कहा? आतंकवादी किसको कहा? हमारे देश के किसानों को, आपको। भूलिए मत कि आपकी सच्चाई आज जो है, इसमें बहुत बड़ा श्रेय इस 10 साल की भाजपा की सरकार में ने लिया है, इनका श्रेय है इसमें। यह सच्चाई कि आप किसानी से, खेती से आज कमा नहीं पा रहे हैं, आपको MSP नहीं मिलता है। बड़े बड़े मंचों पे ऐलान करते हैं MSP दे रहे हैं,
और ऐसी ऐसी फसलों पे देते हैं जो आप उगा ही नहीं रहे हैं, तो आपके आगे आपका भविष्य क्या है? नौजवानों का हरियाणा में आज भविष्य क्या है? बेरोजगारी ही दिख रही है, अंधकार ही दिख रहा है। जहां रोजगार पैदा करना था वहां अग्निवीर की स्कीम ले आए। आप जाइए सरहद पे, शहीद भी हो जाइए, आपके परिवार को पेंशन नहीं मिलेगा। और 4 सालों की आप सेना में आप भर्ती करेंगे, उसके बाद आप घर आएंगे फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। ये मिल रहा है आपको अपनी शहादत के लिए, अपनी मेहनत के लिए, अपने देश के प्रति, अपनी देशभक्ति के लिए। मोदी जी की पूरी सरकार और इस प्रदेश की सरकार सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही है। अडानी जी, अंबानी जी के लिए सब कुछ हासिल कर सकते हैं, सब कुछ उनके लिए है। उनके कर्ज माफ होते हैं, उनके उद्योग बढ़ाए जाते हैं। आप मेहनत करते हैं, दिन रात पसीना खून बहाते हैं, लेकिन आपकी कोई सुनवाई तक नहीं है। ये पहलवानों का प्रदेश है, किसानों का प्रदेश है, खिलाड़ियों का प्रदेश है, जवानों का प्रदेश है। आपने पाला पोसा है जवानों को, खिलाड़ियों को। आज देखिए हमारे ओलंपिक की खिलाड़ियों के साथ क्या बर्ताव होता है। मैं गई थी उस आंदोलन में, आंदोलन क्या, बेचारी लड़कियां सड़क पे बैठी थी कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए। मैं गई मिलने और उन बहनों ने मुझे क्या बताया, बहनें सुनिए। उन्होंने कहा, दीदी हम ओलंपिक का मेडल लाए थे, मोदी जी ने हमें घर बुलाया, हमें चाय पिलाई, फिर हमारी साथियों के साथ इतना बड़ा अन्याय होता है। हमने सोचा कि अगर हम सड़क पर आकर बैठ जाएंगे, हम न्याय मांगेंगे, तो मोदी जी हमारी सुनवाई करेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे, ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं तो हमारी आवाज़ वो सुनेंगे। रो रही थी, कहा दीदी हमारे पास, हमारे लिए 5 मिनट का समय नहीं था। मोदी जी का घर मालूम है कितनी दूर है उनके आंदोलन स्थल से? उनके आंदोलन स्थल से मात्र 10 मिनट दूर है। गाड़ी में बैठते 10 मिनट में पहुंच जाते, अरे उनको घर बुला लेते, जैसे जब मेडल लाए थे तब बुलाया था। लेकिन कुछ नहीं किया मोदी जी ने, कुछ नहीं किया। ये लड़कियां रोती रहीं, आज लड़ रही हैं, न्याय के लिए लड़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार बनी है विनेश, हिम्मत वाली लड़की है वो, हरियाणा की पहचान है। मैं उसको देखती हूँ, मैं हरियाणा की हर लड़की को देखती हूँ, जब भी उसको देखती हूँ मुझे गर्व होता है। वो जब आई हमसे मिलने, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे शान चाहिए, शोहरत चाहिए, सत्ता चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मेरी राजनीति में आने से मेरे आंदोलन को मजबूती मिलेगी, अगर हरियाणा की मेरी बहनों को न्याय मिलेगा, तभी मैं राजनीति में आऊंगी, मैं उनके लिए लड़ूंगी। ये है आपकी भावना। तो मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहती, मेरे भाई मजाक कर रहे थे अभी मेरे से, कह रहे थे तुम कम से कम 45 मिनट के लिए बोलती हो, उससे कम नहीं बोलती। तो मैं थोड़ा कम बोलूंगी। ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहती, बस ये कहना चाहती हूँ कि देखिए आप में सब कुछ है, हिम्मत है, शक्ति है, वीरता है, देश को दिखाया है और सदियों से आपने देश को दिया है, अपना पसीना, अपना खून, अन्न, सब कुछ दिया है। आज अपने लिए हक मांगो, अपना अधिकार मांगो। ये आपका अधिकार है, आपका हक है कि आपके लिए जो सरकार बने वो आपके लिए नीतियां बनाएं, कि जो नेता आपके सामने आए सर झुका के आए, घमंड करके ना आए, 56 इंच की छाती वाली बातें ना करे, ये बात करे कि तुम ही मेरे भगवान हो, कि ये पब्लिक है जिसने मुझे बनाया है, और क्योंकि इस पब्लिक ने बनाया है इसलिए मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस पब्लिक, यहाँ के किसानों को, यहाँ के मजदूरों को, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के नौजवानों को आगे बढ़ाऊं, उनका विकास कराऊं।
और आप में बहुत विवेक भी है, आप पहचान जाते हैं हर चीज। आप आज पहचान रहे होंगे कि भाजपा के नेताओं ने क्या क्या कहा और क्या करके दिखाया। अभी भैया और मैं कुछ परिवारों से मिले, वो जो फैमिली आईडी है उसके बारे में वो बता रहे थे कि फैमिली की आईडी बनानी होती है, उसमें हर परिवार के सदस्य की आमदनी, चाहे 17-18 हो परिवार के सदस्य, चाहे अलग अलग परिवार के यूनिट ना हो, मतलब एक भाई उसकी बीवी उसके बच्चे, दूसरा भाई उसकी बीवी उसके बच्चे, सब की आमदनी जोड़ के सरकार क्या कर रही है, आपको सरकारी स्कीम से निकालने का काम कर रही है। मतलब वो बता रहे थे कि दीदी हमारे सदस्य 4 सदस्य हैं, हमारा ये नया पहचान पत्र इन्होंने बना दिया, अब कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं जा सकता क्योंकि तुम्हारी आमदनी बहुत बढ़ गई है। इसी तरह से सबकी आमदनी जोड़ के जो किसान की सुविधाएं हैं, जो मजदूरों की सुविधाएं हैं, सब बंद हो रही हैं। ये सारा काम जो हो रहा है सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों की भलाई के लिए हो रहा है, आपके लिए नहीं हो रहा है। आप आंखें खोलो, पहचानो कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, कौन 8000 किलोमीटर इस देश में चलता है इस देश को एक रखने के लिए, और कौन 8000 किलोमीटर दूर दुनिया के हर देश में भ्रमण करता है लेकिन आपकी समस्याओं को सुनने के लिए, आपके किसानों से मिलने के लिए 5 मिनट नहीं निकालता। पहचान लीजिए कि आज जो आपकी सच्चाई है उसको आप ही बदल सकते हैं, आपका अधिकार है, आपका हक है, और इस संविधान ने आपको ये शक्ति दी है। ये जो गीता में बातें लिखी हैं सत्य और असत्य के बारे में, सत्यमेव जयते हमारे संविधान में भी लिखी हैं। समानता की बात, अधिकार की बात, हक की बात, न्याय की बात हमारे संविधान में लिखी हैं। आपको अधिकार दिया है, आपको वोट दिया है, आप सोच समझकर पूरे विवेक से इस वोट का इस्तेमाल करिए, एकजुट होकर करिए, किसी के बहकावे में मत आइए। ये वोट आपके लिए होना चाहिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। माताएं बैठी हैं यहाँ, बहनें बैठी हैं, आपके बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए, आपकी खेती को मजबूत बनाने के लिए। ये जो नौजवान आप सरहद के पे भेजते हैं, इनके पेंशन के लिए होना चाहिए। आप अपने वोट को ऐसा इस्तेमाल करिए कि पूरे देश भर में गूंज उठे कि हरियाणा की जनता उब चुकी है, अब एक लहर आ रही है। कांग्रेस की लहर तो है लेकिन आपके सम्मान की लहर भी है। आपका जो निरादर किया है इस भाजपा की 10 सालों की सरकार ने, आप उनसे न्याय लीजिए, आप कांग्रेस की सरकार बनाइए ताकि आपका भविष्य बदले। आपको यही चीजें कहनी थी। अब मैं अपना भाषण समाप्त करती हूँ, बड़े भाई अपना भाषण देंगे, आप सब ध्यान से सुने, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और नवरात्रि के लिए, दशहरे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सब की तरफ से, धन्यवाद।